नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो तमी मजा मनी कशे आहात तुम्ही मजेत ना हाउ आर यू ऑल फाइन ओ ग्रेट। तो मैं विशाली अब्रेकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 15th जो है आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कविता है। उसका नाम है नदी चे गाने। लेकिन इसके पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ना बच्चों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिएगा और उसमें आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद निबंध पत्र कथा कहानी सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो जरूर देखिए। ओके, और बेसिक मराठी हिंदी भी मैं सिखा रही हूँ लाइव स्ट्रीम में, तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। ओके, तो भाई चलो सीखते हैं क्या है नदी चे गाने। नदी मीन्स व्हाट? नदी याने रिवर। ओके, तो रिवर अभी गाने गा रहा है तो वो क्या गाने गा रहा है भाई? दरी दरी तुन वना वना तुन। दरी किसे कहते हैं पता है तुम लोग को? दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है ना उसे दरी कहते हैं। तो दरी दरी तुन वना वना तुन, वन मीन्स जंगल। ओके, फॉरेस्ट में से दरी दरी तुन वना वना तुन, झुर झुर मी वाहत जाते। नदी कैसे बहते जाती है? तो नदी झुर झुर बहते जाती है। मी मंजुळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते। जब ये नदी बहती है ना तो उसका झुर 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 एक जो आवाज आता है ना वो ऐसे लगता है कुछ संगीत बज रहा है, कुछ म्यूजिक बज रहा है उसके आवाज में। तो नदी क्या कहती है? मी मंजुळ गाने गाते। मंजुळ यानि जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा गाना। तो नदी बोलती है मी मंजुळ गाने गाते, मी पुढ़ेच धावत जाते। एक बार वो पहाड़ों से नीचे उतरने लग जाती है नदी तो वो आगे ही बहते जाती है। कभी देखा क्या तुम लोगों ने नदी नीचे से ऊपर पहाड़ पे जा रही है? ऐसा कभी देखा है क्या तुम लोगों ने? नहीं ना, ऊपर से नीचे की ओर ही पानी बहता है। ये हम लोगों ने साइंस में भी सीखा हुआ है। ओके, वसली गावे तीरा वर्ती। अभी नदी के जो किनारे होते हैं नदी के किनारों पर ही लोग अपना गांव बसाते हैं। वसली गावे तीरावर्ती, रिवर बैंक के किनारों पर लोगों ने अपने गांव, वहां पर वो लोग सेटल हो गए हैं, विलेजेस बनाकर वहां पर वो रह रहे हैं। त्याना भेटुनी जाते पुरती। अभी मैं हर गांव-गांव से बहती हूँ ना, तो एक गांव से फिर वो बहते बहते दूसरी गांव की ओर, दूसरी गांव से तीसरी गांव की ओर, ऐसे सब लोगों से मिलते 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 वो बहते बहते जाते रहती है। लता वृक्ष किति काठावर्ती। लता वृक्ष, लता मीन्स क्या? लता यानी जो वेल होती है ना, क्रीपर एंड क्लाइंबर्स होते हैं ना इसमें पेड़ों में, तो लता बोलते हैं उसको। ठीक है, जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं ना। लता वृक्ष कितनी काठावर्ती, तो मेरे किनारों पर कितने सारे पेड़ है और कितने सारे बेल भी है। भूमि तुनिजे मला भेटती, तो वो जमीन में से उगते हैं और वो नदी में ऐसे उनका ये भी नदी में भी गया हुआ रहता है। लता बेल का जो पत्ते पान बीन होता है वो नदी में जाता है। तो नदी क्या बोल रही है कि ये लोग आकर मुझसे मिलते रहते हैं। कौन? वृक्ष एंड लता। फूल वेली मुझे सुमने देती। फूल वेली, फूल वेली यानी जो फूलों के जो बेल होते हैं ना, तो वो मुझे सुमने देती। सुमन यानी फ्लावर, सिनोनाइम्स, अगर सुमन का सिनोनाइम होगा तो फूल आएगा। ठीक है, तो फुलवेली मुझे सुमने देती, तो वो जो
लता जो पेड़ों के ऊपर से आई हुई रहती है, जो वेल जो पेड़ों पर आई हुई रहती है, जो उसमें जो फूल होते हैं ना, वो फूल वो नदियों में गिरते रहते हैं। तो इसके लिए नदी क्या कहती है कि ये फूल वेल है ना, ये मुझे क्या देते हैं, फूल देते रहते हैं। कुठे आम्रतरु माझा वरती शीतल अपुली छाया धरती। आम्रतरु, आम्र यानी मैंगो का पेड़, तरु मीन्स झाड़, समानार्थी शब्द झाड़ आया तो झाड़ का समानार्थी शब्द है तरु। अगर तरु दिया आप लोगों को तो तरु का समानार्थी शब्द है झाड़। ओके, आम्र मीन्स आंबा, समानार्थी शब्द आंबा का समानार्थी शब्द आम्र। ओके, कुठे आम्र तरु माझा वरती शीतल अपुली छाया धरती। अभी नदी के किनारे जो भी आम का पेड़ उगा हुआ है ना, तो उसकी जो डालियां वगैरह जो फैली हुई रहती है, तो उसकी छांव जो है वो नदी में आती है ना। वो ऐसे कैसे घना पेड़ होता है ना वो आम का, तो उसकी जो छाया जो होती है उस पेड़ की, नदी को वो दे रहा है। इसके लिए नदी कहती है कुठे आम्रतरु माझ्या वरती शीतल अपुली छाया देती। छाया कैसे होती है, छाया ठंडी होती है ना। अभी जब भी कभी आप लोग धूप में चल के थक जाते हैं तो किसी भी पेड़ के नीचे बैठते हैं ना, क्यों, क्योंकि थोड़ी वहां पर छाया होती है और ठंडी हवाएं भी हमें मिलती है। तो इसी तरह से नदी को भी ये जो आम की आम का जो पेड़ है वो शीतल यानी ठंडी छांव दे रहा है। पानी पीऊनी पक्षी जाती। अभी नदी है, नदी में आती है चिड़िया, चीची चीची करती है, पानी पीती है। जो बर्ड्स होते हैं वो बैठते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर वहां से भी वो उड़ जाते हैं। पानी पीऊनी पक्षी जाती, घट भरूनी कुणी जल नेती। घट यानी मटका, ठीक है, घट भरूनी कोणी जल, औरतें जाती है। देखो यहाँ पर दिखाया है औरतें मटके में पानी भर के अपने घरों में लेकर जा रही है पीने के लिए। घट यानी मटका, घट भरूनी कोणी जल नेती। जल का समानार्थी शब्द है पानी। गुरे वासरे जवळी येती। अभी गुरे वासरे, गुरे यानी जो एनिमल गाय बैल वगैरह होते हैं और उनके बच्चे होते हैं उन्हें वासरू कहते हैं, तो वो भी वहां जाती है नदी के पास, पानी पीती है, नदी में नहाती है। तो गुरे वासरे जवळी येती, ये भी लोग भी मेरे पास आती है। मुले खेळती लाटांवरती। अभी यहाँ पर देखो बच्चों का भी यहाँ पर पिक्चर दिखाया आप लोगों को, तो बच्चे कैसे खेल रहे हैं पानी में, जो लहरें आ रही है उन लहरों का मजा ले रहे हैं। लाट मीन्स लहर। ओके, नदी में भी लहर होती है, छोटी छोटी सी लहर होती है, तो उसमें क्या कर रहे बच्चे, खेल रहे हैं। मी कोणाची मी सर्वांची। अभी नदी है तो ऐसे वो कभी भी बह के जाएगी तो वो देखेगी क्या, अरे ये गांव में अमीर लोग रहते हैं क्या, गरीब लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो सबकी है। जे बांधोनी मजने ना रहती। जो जो मुझे जहां जहां पर लेकर जाता है मेरा बहाव, वहां वहां पर मैं चली जाती हूँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेते जाई न तेते फुलविन। मैं कहां भी जाऊं, किधर भी जाऊं, तो मैं वहां पर हंसी खुशी सब जगह पे, अगर कुछ बंजर हो गई है जगह तो उसे भी मैं फूलों से पेड़ों से भर दूंगी, खुशहाली वहां पर मैं फैला दूंगी। बाग मनोहर आनंदाची। तो वहां पर मैं जहां भी कहीं जाऊंगी मैं वहां पर खुशियों का बाग बना दूंगी, है ना। जहां पानी होगा वहां पर सब कुछ होगा, जहां पानी नहीं होगा वो जगह बंजर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से देखो भाई नदी कितनी निस्वार्थ है, कितनी पवित्र है, वो कोई भेदभाव नहीं करती, कुछ नहीं, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं। जो मुझे जहाँ ले जाएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी। अभी ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये एक्सप्लेनेशन मी नदी बोलते में जब निबंध लेखन आएगा ना आप लोगों को, तो ये वर्ड्स आप लोगों के काम आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले।
ओके तो ऐसे राइटिंग में भी अगर कविता भी बायर्ड हो गई रहेगी ना तो बहुत हेल्प होता है ऐसे राइटिंग. मैं ऐसे ही करती थी, कोई भी कविता होता था ना उसको याद करके रख देती थी, बायर्ड करके रख देती थी, तो उसमें से बहुत सारे वर्ड्स है ना मिल जाते हैं ऐसे लिखते समय, लिख के निकालने का. लेकिन तो ये जो कविता है लिखी हुई है वीमा कुलकर्णी, इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, बहुत प्यारी लिखी हुई है. और यहाँ पर नदी हम लोग उनसे बात कर रही है तो कितनी अच्छी बात है ना. तो यहाँ पर आप लोग को शब्दार्थ दिए हुए हैं और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आप लोग को अपलोड करूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक मुझे जरूर दे देना, ठीक है. और फिर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन करना भी मत भूलना, ठीक है. करेंगे ना आप लोग इतना, वेरी गुड. और फ्री है मेरा ये चैनल तो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. ओके देन चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.